बिग बॉस 13 में अब एक नया ट्विस्ट आया है, जिस वजह से ये सीजन अब और भी ज्यादा टेढ़ा होने वाला है। बिग बॉस के मेकर्स ने इस सीजन की बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से इसे एक महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया है, जिस वजह से घर में एंट्री हुई है 3 नए वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट्स की। इन 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री में से 2 एक्स कंटेस्टेंट्स हैं और एक एक्स गर्लफ्रेंड है। अगर एक्स कंटेस्टेंट्स की बात करें तो उसमें है शेफाली बग्गा और अरहान खान, जिन्हें कम वोट्स मिलने की वजह से घर से बाहर निकाल दिया गया था। वहीं विशाल आदित्य सिंह की एक्स गर्लफ्रेंड मधुरिमा टुली भी आई है घर के अंदर। वहीं घर के अंदर आते ही अरहान खान रश्मि देसाई पर भड़कते हुए नजर आए हैं। पिछले कुछ दिनों से सिद्धार्थ और रश्मि के बीच नजदीकियां काफी ज्यादा बढ़ने लगी हैं, जिस वजह से सना को भी जलन हो रही है। वहीं अब घर में एंट्री ले चुके हैं रश्मि के दोस्त अरहान खान, जो सिर्फ कहने के लिए दोस्त हैं, लेकिन उनके हाव भाव से ऐसा नहीं लगता कि वो दोस्त हैं। और घर में एंट्री लेते ही अरहान ने भी रश्मि और सिद्धार्थ के रिलेशन पर सवाल उठाए हैं। दरअसल पिछले काफी समय से रश्मि और सिद्धार्थ के बीच में नजदीकियां काफी बढ़ती जा रही थी, जिस वजह से अब अरहान ने घर में एंट्री ली तो उन्हें एक टास्क दिया गया था, जिसे पूरा करने के बाद अरहान और रश्मि गार्डन एरिया में आ गए और फिर अरहान ने रश्मि से उनके और सिद्धार्थ के करीब आने पर सवाल करना शुरू कर दिया। अरहान रश्मि देसाई से कहते हैं कि जब वो सिद्धार्थ शुक्ला से आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी तो उन दोनों की आंखों में प्यार दिख रहा था। कल भी रश्मि सिद्धार्थ के साथ गार्डन एरिया में प्यार से मस्ती मजाक को खींचातानी कर रही थी। अरहान ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा कि तुम लोग ही डिसाइड कर लो कि लड़ाई है कि प्यार है। इस बात पर रश्मि देसाई अरहान से नाराज होती दिखी और रश्मि ने कहा कि उनके और सिद्धार्थ के बीच में सिर्फ और सिर्फ झगड़ा है। वहीं अभी देखना काफी ज्यादा रोमांचक होगा कि अरहान के घर में वापसी करने से रश्मि और सिद्धार्थ के बीच बन रहे इस नए रिश्ते में कौन कौन से बदलाव आते हैं। आपको क्या लगता है कि सिद्धार्थ की वजह से रश्मि और अरहान के रिश्तों में दूरियां आ गई हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज को करें सब्सक्राइब, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्पण न्यूज।